बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग इसको स्टार्ट करने लगे। आज मैं जहाँ से मैंने लीव किया था, मैं वहीं से इंशाल्लाह ताला इसको कंटिन्यू करूँगा। आई होप सो आप सबकी जो प्रैक्टिस है ना वो क्लियर उसके अंदर होगी होगी, ठीक है। तो कंटिन्यू करें जहाँ से फिर हम लोगों ने छोड़ा था, जिससे आगे चलते हैं, बिकॉज आई विल नॉट गिव यू द ओवरव्यू। अच्छा आसिफ, आप न्यू हैं तो व्हाट यू कैन डू, आप ये कर सकते हैं कि मैंने प्लेलिस्ट का लिंक ऑलरेडी 3 से 4 दफा आई थिंक ग्रुप के अंदर शेयर किया, बट इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। आप उस प्लेलिस्ट को वॉच कर देंगे तो इंशाल्लाह ताला आई डोंट थिंक सो कि वो प्लेलिस्ट आपको कोई 1 महीने के अंदर पूरी होगी, नहीं, इधर 1 or 2 days आप हमारे साथ होंगे, डोंट वरी, ठीक है। आप प्लेलिस्ट के वो 2 lectures भी कोई से वॉच कर देना, सेकंड लास्ट के 2 lectures भी आप वॉच कर दें तो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्या पढ़ाया, क्योंकि मैंने इन लेक्चर्स के अंदर ब्रीफली ओवरव्यू दिया हुआ है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जाके 6-7 lectures मेरे पूरे अटेंड करें, ठीक है। ओके, वी आर कंटिन्यूइंग। ओके अच्छा, जिनकी असाइनमेंट्स मुझे नहीं ना आ रही तो काइंडली वो चीज़ मुझे सबमिट करें ताकि मुझे पता लगे ना आप कितना वर्क कर रहे हैं। माशाल्लाह जो वर्क कर रहे हैं मुझे नज़र भी आ रहा है, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने टप्पल्स तक पढ़ लिया था, हम लोगों ने सही, आप परसों के प्रीवियस लेक्चर में नहीं थे, बट आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स के आपने बकायदा आई थिंक वीडियो देख के या रिकॉर्डिंग्स देख के आपने उसकी प्रैक्टिस कर मुझे सेंड की। तो जिसके अंदर मिसिंग थी मैंने आपको बताया, लेकिन आपने मुझे बिफोर लेक्चर वो आपने मुझे सेंड कर दी, दैट्स गुड, ठीक हो गया। आप लोगों को कोई वहां तक कन्फ्यूजन नहीं होगी, आई होप सो। अगर किसी को है कन्फ्यूजन तो वो काइंडली मुझसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू किया जाए, ओके, ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, हम लोगों ने परसों एक जगह पे लीव किया था, वो जगह कौन सी थी? वो जगह ये थी कि हम लोग टप्पल्स तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। हमने लिस्ट के बारे में पढ़ लिया, हमने डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, और उसके अलावा हम लोगों ने काफी चीजें कर ली, ठीक है। फंक्शन सुनाना पड़ लिया, बिल्ट इन फंक्शन जो, और पैरामीटराइज फंक्शन, नॉन पैरामीटराइज फंक्शन। नाउ व्हाट नेक्स्ट, और क्या चीजें आगे? आपको मैंने स्टार्टिंग के अंदर बेसिक कुछ डेटा टाइप्स बताई थी, लेकिन मैंने कहा था ये इनफ नहीं है, आपने कुछ और डाटा टाइप भी आपके सामने आ गई, लिस्ट आपके सामने आ गई, टप्पल्स आपके सामने आ गए, आगे की वैल्यू पेयर्स आएंगे आपके सामने, ठीक है ना। तो ये सारे जिस तरह का आप डाटा बनाते रहते हो, एक डिफरेंट टाइप का डाटा बनता रहता है, लेकिन कीप इन माइंड कि हर डाटा का जो इनिशियल्स होता है ना, या तो वो स्ट्रिंग होगा, ठीक है, या वो नंबर होगा, या वो बुलियन होगा, ठीक है, या वो करेक्टर होगा, ठीक है, एंड व्हाट वाज द 5th वन, या वो फ्लोट होगा, जिसको आप डेसिमल नंबर भी कह सकते हैं। सर, इनके अंदर से आपके डाटा टाइप डिसाइड होंगे, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं। ये नहीं हो सकता कि हम किसी और टाइप के डाटा साइन कर दें, क्योंकि हमने इसमें नंबर्स भी कवर कर लिए। अच्छा, स्पेशल करेक्टर्स की अगर आप बात करें ना, तो ये भी एज अ स्ट्रिंग ही कवर किया जाता है, जिस तरह हम एट द रेट लिखते हैं या कुछ भी लिए हैश टैग लगाते हैं, ये भी स्ट्रिंग ही कवर की जाती है, इसके लिए कोई स्पेशल टर्म यूज नहीं होती, ठीक है। ये कंसेप्ट आप लोगों ने समझना सबसे पहले। अच्छा, अब हमने स्टार्ट कहां से करना है? हमने टप्पल्स को देख लिया था। अब टप्पल्स को, अच्छा, कुछ इसकी मैंने पहचान बताई थी, मैंने बताई थी कि अगर आप लिस्ट क्लियर करना चाह रहे हैं तो वो लिस्ट की जो आइटम्स होती हैं ऐसी अरे ब्रैकेट, इसको अरे भी कहा जाता है, इसको आप लोग लिस्ट की ब्रैकेट भी कह सकते हो, या ठीक है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट भी आप इसे कह सकते हो। तो हमेशा जो आपकी जो लिस्ट आइटम्स होते हैं लिस्ट के अंदर, वो अरे की फॉर्म के अंदर होते हैं, और इसको आप अरे भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकेंड थिंग इज दैट वी वर डिस्कसिंग अबाउट टप्पल। टप्पल क्या था? टप्पल था तो यही, लेकिन इसके अंदर एक मैंने बहुत कॉमन डिफरेंस बताया था, भाई मैंने उसको रिपीट किया था, मैंने कहा था अगर मैं ये चीज लिख दूंगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दिया आइटम 1, ये टप्पल नहीं है, इसको टप्पल बनाने के लिए एक स्पेसिफिक करेक्टर यूज करना पड़ता है, या उसे कुछ भी कह लें, वो क्या यूज करना पड़ता है, मुझे यहाँ पे प्लीज टाइप करके बता सकता है एनीवन? किसी भी चीज को टप्पल बनाने के लिए, अच्छा इसको मैं अभी कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। मैं अगर लिस्ट एक बनाई है ना, मैंने लिखा जी आइटम वन एंड दिस वन इज आइटम 2, ठीक है, ये तो मुझे समझ आ रहा है ये लिस्ट है, ठीक है, लेकिन ये भी टप्पल का सिंटेक्स ही है। टप्पल कहता है कि जब आपने मेरे पास कोई आइटम्स डिक्लेयर करनी है, लाइक मैंने इसको इक्वल कर दिया, जब आपने मेरे पास कोई आइटम्स डिक्लेयर करनी है तो आपको एक स्पेसिफिक करेक्टर मेरे साथ यूज करना पड़ेगा मुझे टप्पल डिक्लेयर करने के लिए। लाइक किस तरह का करेक्टर? लेट मी शो यू, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, अच्छा, आपने किसी भी चीज की डेटा टाइप चेक करने है ना, आपने उसको याद रखना है किस तरीके से डेटा टाइप चेक करते हैं। प्रिंट, प्रिंट हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन है, टाइप
इसके अंदर वो चीज दे दो। अच्छा अब मैंने लिस्ट किया ना, लिस्ट को मैंने क्या कहा, मैंने बता रहा हूँ कि भाई प्रिंट के अंदर एक मैंने फंक्शन चलाया है, ठीक है, उसको मैंने कहा मुझे टाइप बताओ लिस्ट की कौन सी टाइप है, लेट इट्स कनेक्ट। अब देखें ये क्या टाइप देता है, आपको जिस तरह बताया गया था ना कि कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, कुछ हमारे कस्टमाइज फंक्शन होते हैं, इसी तरीके से कुछ हम बिल्ट इन फंक्शन को यूज करते हैं अपने आउटपुट को जनरेट कर लेते हैं, हमें इतना लेंथी कम्प्लेक्सिटी में जाना नहीं पड़ता। अच्छा मैंने लिस्ट को प्रिंट कराया, लिस्ट प्रिंट के अंदर मैंने कहा कि भाई मुझे टाइप बताओ लिस्ट की, तो भाई उसने मुझे क्या टाइप दिया, क्लास लिस्ट। अच्छा अब मैं कहता हूँ कि यार मुझे टाइप बताओ आप टपल की, क्या ये वाकई टपल है कि नहीं, लेकिन मुझे स्ट्रिंग शो करेगा, क्यों शो करेगा str, देखा क्यों शो करेगा, क्योंकि टप्पल कहते हैं कि आपने अगर मुझे अपने आइटम को रिकॉग्नाइज करवाना है कि आप स्ट्रिंग दे रहे हैं या टप्पल दे रहे हैं, तो आपको भाई एक आइटम को एंड करने के बाद आपको एक कोमा लाजमी लगाना, चाहे उसके बाद आप मल्टीपल आइटम्स लिखें, ठीक है, लेकिन आपको एक आइटम के एंड करने के बाद आपने उसके साथ कोमा लाजमी लगाना है। नाउ डिड यू सी टप्पल, मैं इसको डबल पीवी डालता हूँ लेकिन मोस्टली TUPL होता है, ठीक है। अच्छा अच्छा ये क्या चीज है, कुछ आपने कंसिडर किया है, लाइक ये जो टाइप है ना, ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है, इसके अंदर आप जैसे सिनेरियो अब माइंड के अंदर एक चीज बिल्ड करें, प्रिंट का फंक्शन क्या काम करता है, प्रिंट का फंक्शन क्या काम करता है, आपको कोई भी आउटपुट उठा के डिस्प्ले कर देता है, राइट, आई एम राइट, सही कह रहा हूं मैं। इसी तरह टाइप का फंक्शन क्या करता है, टाइप का फंक्शन आपको उसकी डेटा टाइप बताता है, किसी भी चीज कोई भी वेरिएबल उसे दे देंगे आपको उसकी डाटा टाइप बता देगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, नेम इज इक्वल टू आई एम फॉलोइंग अ नेम ज़ुहैब। अब अगर इसमें नेम को टाइप के अंदर रखूं, सॉरी यहां रखता हूं क्योंकि मैं प्रिंट भी करवाना है, रख मैं टाइप के अंदर ही रहूं। अब मैं इसको प्रिंट करूं, मुझे str शो करेगा स्ट्रिंग। अच्छा मैं कहता हूं जी नेम इज इक्वल टू 1, नंबर शो करेगा या इंट शो करेगा, ठीक है। अब मैं कहता हूं जी 10.1, फ्लोट शो करेगा या डेसिमल शो करेगा, देखिए वो मुझे बता रहा है, मुझे वो आंसर दे रहा है, मतलब जो टाइप का जो फंक्शन आपको टाइप बताता है, ठीक है। अब मैं लिस्ट को अगर मैं प्रिंट करूं तो कहेगा जी ये लिस्ट है। अच्छा लेकिन एक और चीज, मैंने ये चीज नहीं डाली थी तो इसने उसको एज इट इज स्ट्रिंग ही लिया था, कीप इन माइंड, ठीक है। जिस तरह हमारा प्रिंट का बिल्ट इन फंक्शन है, इसी तरीके से हमारा बाकी बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जिसको हम यूज करें पाइथन के, हमें अंडरस्टैंडिंग इतनी करने की जरूरत नहीं कि कैसे काम कर रहे हैं, वो आगे का कंसेप्ट है। यहाँ तक क्लियर है आपका शहीना, आपका क्लियर है, यू ज्वाइन लेट बट कोई नहीं, आप कवर कर लेंगे। आपको क्लियर है शहीना, प्लीज आंसर, आपको मेरी आवाज आ रही है, ओके ग्रेट सर, बिकॉज यार जो करने वाले हैं ना लिटरली मैं उनको पीछे नहीं छोड़ना, टू बी ऑनेस्ट। बाकी जिसको नहीं भी पता होगा तो मैं इंशाल्लाह, तो कोशिश तो मेरी यही होगी कि मैं कवर अप करूं सबको, लेकिन जो करने वाले मुझे नजर आ रहे हैं और जो नहीं करने वाले वो भी नजर आता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो मेरे पास इस टाइम है सब करने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ओके सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, टप्पल क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्या चीज है, आपने अक्सर अपनी लाइफ के अंदर डिफरेंट टाइप की कंडीशन वगैरह रखी होंगी, लाइक अगर मैं छोटी, अच्छा उससे पहले ना डेटा, कुछ मैं डेटा टाइप्स कवर कर देता हूँ आपको सबसे पहले, let me show you just one of them। अच्छा आप सबने मैथ पढ़ी है, 9th-10th के अंदर आपको चीज पढ़ाई जाती थी, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, अगर कोई उर्दू मीडियम से हो तो पता नहीं बड़ा मुश्किल सा वर्ड बोलते हैं वो लोग, वेरी स्ट्रेंज वर्ड, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो आपने ये यूनियन इंटरसेक्शन सेट के बारे में सुना होगा, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स या कोई डिफरेंट एलिमेंट। अच्छा कोई मुझे छोटी सी आप एक बताएं, आप सेट रखते हैं किसी भी चीज का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बर्तनों के सेट, डिफरेंट टाइप की सेट के अंदर मोस्टली क्या होता है कि आप किसी भी चीज का आप सेट बना के रखते हैं, पेयर बना के रखते हैं, ठीक है। तो सेम इसी तरह कि जब हम अपने पाइथन की प्रोग्रामिंग के अंदर सेट को पढ़ेंगे या सेट को पढ़ रहे होंगे, तो सेट बेसिकली क्या चीज है, सेट आइटम कैन अपीयर इन अ डिफरेंट ऑर्डर एवरी टाइम यू यूज देम एंड कैन नॉट बी रेफर टू बाय इंडेक्स और की। अच्छा एक मजे की बात और बताऊं, हमने परसों एक मैंने क्वेश्चन है मेरा आप सबसे, हमने परसों लिस्ट के बारे में पढ़ा, मैंने बताया था कि लिस्ट के अंदर म्यूटर माइक्रोफोन प्लीज थैंक यू। अच्छा मैंने बताया कि लिस्ट के अंदर जितनी आइटम्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती है, किस पोजीशन से स्टार्ट हो रही होती है, कोई मुझे बता सकता है,
उसके अंदर तीन आइटम है, लेकिन स्टार किससे होंगी? और हमेशा इस तरह जब आप टपल अपने, मैंने आपको एक्सेस करने का तरीका भी बताया कि आप किस तरीके से उन लिस्ट के आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, जब आप लेंथ प्रिंट कर रहे थे या फिर सिंपल वो उसको प्रिंट कर रहे थे। अच्छा, सेट के अंदर ये चीजें नहीं होती, सेट को ना आप जीरो इंडेक्स बेसिस पे वो कर सकते हो। सेट बेसिकली एक कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, इट वुड बी यूनिक, यूनिक भी हो सकता है और होता ही मोस्टली यूनिक। अगर आप इसके अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यू दे देते हैं ना, भाई इसने दो दफा शो नहीं करनी, इसने एक ही दफा शो करनी है। लेट मी शो यू एन एग्जांपल। अच्छा, अब ये बनता किस तरीके से? एक और चीज, आइटम्स के लिए तो मैंने बताया था कि भाई जब आप लिस्ट बना रहे हैं तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करनी है, जब आप टपल्स बना रहे हैं तो आपको राउंड ब्रैकेट यूज करनी है, बट ये भी साथ यूज करना कॉमा, बट नाउ व्हाट इज सेट? मैं कहता हूं जिस सेट है मेरे पास, सेट ये रिजर्व वर्ड है, इसको मैं यूज करूंगा माई सेट के नाम से ले लेता हूँ, ठीक है, माई सेट। अब माई सेट के लिए मुझे ये ब्रैकेट्स यूज करनी है। अच्छा, इसके अंदर मुझे आइटम डालनी है। अब इसके अंदर आइटम सेम देने का तरीका, अगर आपको मेरी स्क्रीन आ रही हो, शो हो रही हो, तो इसके अंदर आइटम भी सेम देने का तरीका है। अब देखें, लेट मी शो यू वन थिंग, मैंने लिखा जी एप्पल, एप्पल टू, एप्पल थ्री। अच्छा, आप कोई मुझे बता सकते हैं जब मैं इसकी टाइप चेक करूंगा तो मुझे क्या देगा? मैंने थोड़ा सा आपके माइंड में एक डाटा फीड कर देना, मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं कि ये क्या आंसर देगा मुझे? टाइप और टाइप के अंदर मैंने इसको डाला, क्या आंसर देगा मुझे, कौन सी टाइप है? ठीक है, ट्राई करते हैं, सही कह रहे हैं, ठीक है। इसने मुझे बता दिया कि भाई सेट जो है उसकी टाइप है। अच्छा, अब मजे की एक और चीज, अब टाइप ऑफ का फंक्शन यूज खत्म कर रहा हूं। अब सेट के अंदर मैंने आइटम दिए, इसने मुझे एज इट इज डिस्प्ले कर देने, डुप्लीकेट वर्ड मैंने डाल दिया, तो मैंने बताया था सेट इज अ यूनिक एलिमेंट्स कलेक्शन, कलेक्शन जो होती है ये यूनिक एलिमेंट्स की भी होती है। लेकिन अगर आपने नोट किया हो तो मैंने एप्पल यहाँ दो दफा लिखा, लेकिन जब मैं इसे प्रिंट करा रहा हूँ तो भाई ये एक ही दफा मुझे दे रहा है। तो भाई जो जितने भी सेट होते हैं ये सब इनका वैल्यू या रूल होता है कि भाई ये अपने अंदर डुप्लीकेट्स वैल्यू अलाउ नहीं करते। दैट्स व्हाई मैंने आपको ये बात की थी कि सेट अप बर्तनों वाला ना समझिएगा, लाइक जिस तरह आपको भी बर्तन भी लेने गए हो तो वो सेट होते हैं तो उसमें छह किस्म के कप होते हैं, इस तरह की चीज ना समझेगा, इट्स डिफरेंट थिंग, ठीक है। ये सेट टू चीज का नहीं है, जो इसके अंदर यूनिक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। डुप्लीकेट्स अगर आप लिख भी देंगे सेट कर लेगा, लेकिन जब आप उसको यूज करेंगे तो आपको कभी भी वो चीज एक्सेस करने नहीं देगा वो, ठीक है। लिस्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स, ट्रिपल, राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है, सेट और डिक्शनरी भी सेम है, अभी डिक्शनरी आया नहीं है तो डिक्शनरी भी आगे सेम है। अच्छा, ये चीज भी आप लोगों को क्लियर हो गई, डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउडेड, ये चीज भी आप लोगों को बता दी। अच्छा, मैंने तो एप्पल लिखा, चलो मैंने यहां से देख के एग्जांपल लिख ली, क्या सर वाकई एप्पल के अलावा अगर मैं कुछ और देखूं, एप्पल टू लिख दिया तो वाकई डुप्लीकेट्स नहीं अलाउ करता? देखिए बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि मेरे सामने एग्जांपल खुले होते तो मैंने वो एग्जांपल इस वजह से रखा था कि मुझे पता मैंने आप लोगों को क्या करवाना, ठीक है। अच्छा, ये क्लियर हुआ आप सबको, नेक्स्ट मूव ऑन करें। ओके दोस्तों, आपको क्लियर हुआ, सईद आपको क्लियर हुआ, शहीना आपको, बुशरा आपको, जुनेद आपको, आसिफ आपको, अरगुमान आपको, इसी तरीके से लेंथ भी हम इसकी चेक कर सकते हैं। लेंथ आपको चेक करनी आती है, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं, मैंने सारी चीजों की लेंथ आपको चेक करना बता दिया, ये आप खुद भी कर सकते हैं। एनीवन, किसी को बताने की जरूरत है लेंथ की? जबरदस्त। अच्छा, अब सेट के अंदर क्या, वही सेम चीज जिस तरह मैंने आपको लिस्ट के ऊपर बताया था ना, कि जिस तरह सेट के ऊपर, लिस्ट के ऊपर आप कोई किसी भी टाइप की आपकी लिस्ट हो, नंबर की हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, मिक्सचर हो सकती है। बुशरा ने एक ट्रू फॉल्स के थ्रू ट्रू फॉल्स स्ट्रिंग और नंबर की एक लिस्ट बनाई थी, वो चीज भी हो सकती है, कुछ भी डाटा डाल सकते हैं। लेकिन आपने कभी एक चीज कॉमन इसके अंदर यूज देखिए, आप इसके अंदर जो भी वैल्यू यूज करें उसकी कोई ना कोई डाटा टाइप है, ऐसा है, कोई ना कोई टाइप है उसकी, या वो स्ट्रिंग है, या वो नंबर है, या वो बुलियन है, या वो फ्लोट है, ठीक है, या वो आप उसको इंट कह लो, ठीक है, नंबर को मैं इंट भी बोल देता हूँ।
कोई ना कोई इसके डेटा टाइप, मतलब ये चार पांच मोस्ट कॉमन ही डेटा टाइप्स है जो आप भाई आप जो मर्जी काम कर दो आपकी ये चीज यूज होनी है। कोई इससे डिफरेंट हटके डेटा टाइप है तो मुझे भी बता दे। इन पांचों डेटा टाइप्स के अंदर से, इन पांचों डेटा टाइप्स आपकी सारी प्रोग्रामिंग आपकी इन सारी पांचों डेटा टाइप्स के ऊपर डिपेंड है, बस उनको यूज करने का तरीका डिफरेंट है। जिसना लिस्ट के अंदर आप किसी और तरीके से यूज कर रहे होते हैं, टपल्स के अंदर आप किसी और तरीके से यूज कर रहे होते हैं, सेट के अंदर आप किसी और तरीके से यूज कर रहे होते हैं। अब जो आप ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, डिक्शनरी पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट और डिक्शनरी एक ही चीज होती है, उसके अंदर आप किसी और तरीके से यूज कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। टाइप का मैंने आपको बता दिया, अब आती है डिक्शनरी। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, डिक्शनरी व्हाई वी यूज डिक्शनरी? सबसे पहले एक बात आती है, डिक्शनरी डिक्शनरी हम इसलिए यूज करते हैं कि हम एक ही चीज के बारे में ज्यादा सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकें, एक ही चीज के बारे में ज्यादा सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकें। लाइक फॉर एग्जांपल, आप कभी किसी वेबसाइट पे गए हो, आपने क्या किया हो, आपने उस वेबसाइट कोई प्रोडक्ट है, जैसे आप अमेज़न लगा लें या किसी वेबसाइट के ऊपर गए हो, आप एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, सर नेक्स्ट पेज के ऊपर उसकी डिटेल आती है, नेक्स्ट पेज के ऊपर उसकी डिटेल आती है। एग्जैक्टली ऐसे है कि नहीं है? आप किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, बाकी भी बताए ना, ऐसा है कि नहीं है? मुझे पता लगे ना, सो नहीं रहे कोई भी। अच्छा उसकी डिटेल है क्या? देखो मैं अगर डिटेल्स के लिए अरे बना दूंगा वो तो मेरी बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज हो जाएगी, कहां कहां से मैं ढूंढता पड़ूंगा लूप चला के, लूप का कंसेप्ट आगे आएगा, तो मैं एक डिक्शनरी टाइप का वेरिएबल रख लेता होता हूँ जिसके अंदर मैं सारी उसकी डिटेल स्टोर कर सकता हूँ। उसके अंदर मेरे पास हमेशा, याद रखिएगा, डिक्शनरी के अंदर कॉम्बिनेशन होता है की और वैल्यूज का, लेफ्ट साइड आपकी की होती है, राइट साइड आपकी वैल्यूज होती है। ठीक है, लाइक कैसे होती है ये चीज, मैं कहता हूं कि मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया। अच्छा इसका भी सिंटैक्स वही है, लेकिन मैं इसके अंदर फर्क इतना आ रहा है कि इसके अंदर की और वैल्यूज होती है। मैंने लिखा जी, मैंने कहा जी नेम जो है जी इंफॉर्मेशन के अंदर, मैं कहता हूँ जी जुहेब है। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि डबल कोट सिंगल कोट से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता इसके अंदर। ठीक है, अच्छा जी मैं कहता हूँ जी एफ नेम है जी। ठीक है, अब मैं कहता हूँ जी क्वालिफिकेशन है जी लाइक, आई एम सॉरी मेरे स्पेलिंग अगर गलत हो यार माफ करना, क्वालिफिकेशन है जी अगर मास्टर्स जैसे। ठीक है, टाइटल मैंने लिख दिया जी, जॉब टाइटल लिख दिया, जॉब टाइटल मैंने लिख दिया जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके नाउ डिड यू नोटिस वन थिंग, अब ये एक वेरिएबल है, इंफॉर्मेशन एक वेरिएबल है, इसके अंदर मेरा सारा डाटा पड़ा, मैं और भी रिखवाने को रखवा सकता हूँ, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स जो रखवाना चाहूँ रखवा सकता हूँ इसके अंदर। ठीक है, इसी तरह जब मैंने आपको अमेजोन की एग्जाम्पल दी, आप कोई भी डाटा अमेजोन को उठाकर रखवा सकते हैं, लाइक किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल उठाकर रखवा सकते हैं, लेकिन कभी आपने ये चीज सोचे कि अगर मैं चीज को कंसोल कराऊं या सॉरी कंसोल से मेरा प्रिंट कराऊं, प्रिंट इंफॉर्मेशन, सर इसको प्रिंट करते हैं एक मुझे, अच्छा अब जो इसने आउटपुट दिया है, अब जिसने मुझे आउटपुट दिया, आप कोड लेवल को ना देखें, लेकिन जिसने मुझे आउटपुट दिया क्या आप सबके लिए इजी टू अंडरस्टैंड है? आपको पता लग रहा है कि भाई नेम उसका ये है, फादर नेम उसका ये है, क्वालिफिकेशन इसकी ये है, ये उसने किया हुआ है। सर ये बेनिफिट है सेट का, मतलब कि आप की वैल्यू की पेयर के अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। अच्छा वन मोर एग्जांपल, मैं कहता हूं कि मुझे भाई जो इंफॉर्मेशन का आपके पास ऑब्जेक्ट आया है, मुझे उस बंदे का नेम तो बताओ क्या है, मैंने क्या किया? अच्छा अब देखो अरे के हम किसी भी इंडेक्स को एक्सेस, मैं करता हूँ रिपीट करता हूँ, अरे के हम किसी भी इंडेक्स को एक्सेस करना होता था तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर उस इंडेक्स का नंबर लिख देते थे, भाई जीरो इंडेक्स दो, वन इंडेक्स दो, टू इंडेक्स दो, ऐसा है कि नहीं है? आप लोगों ने मुझे एग्जाम्पल भी दी थी, लाइक अगर मैं बुशा की बात करूँ तो बुशा आई थिंक बुलियन वेरिएबल्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रही थी, बट थोड़ी सी मिस्टेक थी, लेकिन वो जिस तरह से वो पास कर रही थी, लाइक क्या करती थी उस वैल्यू का जो इंडेक्स था वो उठा के पास करती थी। तो आप सबने ये प्रैक्टिस की अपनी असाइनमेंट्स के अंदर कि अगर मेरी अरे के अंदर पांच एलिमेंट है, मैंने दूसरे वाले एलिमेंट को लेना है, तो भाई मैं उसको कहूंगा कि प्रिंट के अंदर इसका ये वाला इंडेक्स उठा के प्रिंट करें टू जो ब्रैकेट्स के अंदर। लेकिन आपने एक चीज नोट की कॉमन, हम उसके लिए भी क्या यूज कर रहे थे, उसके लिए भी अरे ब्रैकेट्स यूज कर रहे थे उठाने के लिए, यहां भी हम अगर कोई हमें स्पेसिफिक चीज चाहिए तो हम लोग उसी तरह हम लोग उसकी की वैल्यू को यूज करेंगे। लाइक मैंने नेम लिख दिया, मैंने कहा इन्फॉर्मेशन में जो आपके पास नेम आया ना मुझे बताओ क्या है, वो प्रिंट करके दो,
सर उसने मेरा नाम उठा के दे देना यहाँ पे। अच्छा मैं कहता हूँ जी इन्फॉर्मेशन में एफ नेम आया तो मुझे वो बताओ कौन सा है। उसने मेरे फादर का नेम उठा के देख लेना। इसी तरह की वैल्यू के अंदर, की वैल्यू पेयर्स के अंदर आप इस तरीके से इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ये मेरा पॉइंट क्लियर हुआ है? किसी को कोई डाउट? जी का मतलब सबको डाउट है? यहां तक हमारी आके जो बेसिक्स डेटा टाइप थी सर खत्म। ये इतने इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स है ना सर, ये जितनी मैंने आपको पढ़ा दी, जो प्रैक्टिस मैंने आपको करवा दी है, मैं अभी आपके अभी नई नई चीज आपके जरा माइंड के अंदर मैंने इंसर्ट किया, तो मैं चाहता हूँ इसके साथ भी खेलें आप। जिस तरह आप लोगों ने अरे के साथ खेला था ना, टफल्स के साथ खेला था, सर आप इसके साथ भी खेलें। जब आप खेलते हैं ना किसी चीज के साथ, आपको पता लगता है कि यार वो चीज के अंदर मतलब पंगे लेते हैं। छोटे बच्चे कैसे सीखते हैं, कोई एक चीज पकड़ा दे, खोल खोल के ऑपरेशन कर देंगे उसका, तब उनके जाके चीज समझ, अच्छा ये चीज यहाँ लगती है, ये चीज यहाँ लगती है। आप बच्चों से एक एग्जांपल ले लें कि अगर उससे आप कोई गाड़ी लागे देते हैं तो वो खोल खोल के उसे पता लगता है कि बनी कैसे थी, यहाँ टायर लगने हैं, यहाँ इस तरह कवर लगना है। सेम लाइक अच्छा डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू पेयर यूज होते हैं, की और वैल्यू, इसको ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। लेकिन अब एक चीज मैं छोटी सी आपको बताऊं, एक यहाँ डिफरेंस नोट कीजिएगा। मैंने आपको टप्पल भी पढ़ा दिया, मैंने आपको वो भी पढ़ा दिया, डिक्शनरी भी पढ़ा दी। टप्पल जो था, दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ, ये चीज प्लीज भूलने नहीं है। सॉरी नेम सर, टप्पल जो था, टप्पल के अंदर एक वैल्यू के बाद आपको कॉमा से सेपरेट करना पड़ता था, ये तो प्यारा टप्पल है। लेकिन मुझे यहां पे ये देखें, ये जो चीज आ गई ना, इसमें जो लेफ्ट साइड वाली ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है। फादर नेम मतलब कि एफ नेम की है, अमीन उसकी वैल्यू है, क्वालिफिकेशन की है, वैल्यू है, टाइटल उसकी की है, ये वैल्यू है, ओके। लेकिन आपने टप्पल के अंदर नोट किया, टप्पल के अंदर ये वाला कंसेप्ट नहीं है सर, डिफरेंस, ये आपने डिफरेंस याद रखना है। मुझे पता है कि काफी लोगों के क्वेश्चन जहन में होंगे, सर ये भी तो, ये इसके एंड में भी तो ये आ रहा है भाई, ये टप्पल क्यों नहीं है? या अगर आपके नहीं था जहन में क्वेश्चन, आपको ये करना चाहिए था, ये इस वजह से नहीं है कि भाई ये की वैल्यू पेयर्स के ऊपर चल रहा है, और की वैल्यूज को हमेशा इस कॉलम के थ्रू सेपरेट किया जाता है। अंडरस्टैंड? क्या हम वैल्यू से की को एक्सेस कर सकते हैं? एग्जैक्टली हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? अच्छा जिस तरीके से, अच्छा ये टप्पल और डिक्शनरी कहाँ यूज होंगी रियल एग्जांपल्स में? टप्पल और यार मैंने अभी बता दिया रियल एग्जांपल का, जुनैद भाई अमेज़न की मैंने एग्जांपल दी थी आपके सामने, रियल एग्जांपल उठा के रख दी, रियल एग्जांपल उठा के रख दी। एक और चीज दिखा दूं आपको, कोड लेवल पे, अपने कोड लेवल पे दिखा दूं, अपने कोड लेवल पे दिखा दूं, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेट मी शो यू, दिस इज वन ऑफ द कोड जिसको मैंने आपके रेफरेंसेस के लिए भी खोल के रखा था, मैंने कहा जरूरत पड़ेगी शायद इनकी। अच्छा आप ये देखें, डिड यू नोटिस दैट के जब मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं तो, लेट मी शो यू, लेट मी शो यू जस्ट गिव मी अ सेकंड।